हेलो बच्चों, तो उसी सीरीज में जो हम अभी लेके चल रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क कॉन्सेप्ट्स इन द बोर्ड एग्जाम, ये अगली वीडियो है चैप्टर 4 के लिए एडमिशन फॉर पार्टनर। ये चैप्टर सीबीएसई सैंपल पेपर में भी 8 मार्क्स का गिवन है और यूजुअली 8 मार्क्स का आता है। तो क्या क्या चीजें हम नॉर्मली पूछते हैं इसकी मैं अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ, बट ये भी हम इसमें डिटेल में लेंगे क्या क्या कैसे इस क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है और कैसे तैयारी करते जाना है। सबसे पहले हमारी मास्टरी होनी चाहिए कैलकुलेशन ऑफ ड्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, जिसके अंदर ऑफ, फ्रॉम, एक्वायर्ड, रिटेन्ड, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। जब भी आप ड्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो इनको करके जाइएगा, क्योंकि आपको पता होगा फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, acquired और जब भी given हो acquired it means वो sacrificing ratio given है। retained के केस में अगर कोई old partner बोले कि मुझे retain करना अपना share तो वो अलग केस होगा। second treatment of goodwill, और ध्यान रखिए जब sacrificing ratio negative आता है उस केस में आप goodwill की entry कैसे pass करेंगे वो अलग से करके जाइएगा, illustration important है आपके लिए कि जहां हम entry बनाते हैं cash to capital to premium, premium to AB, और मान लीजिए B का negative आ रहा है sacrificing ratio तो B debit हो जाएगा because he has become the gaining partner, और amount कितनी आएगी total goodwill of the firm into gaining share। बात करते हैं थर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेबिलिटी की, ये रीवेल अकाउंट में आएंगे और बैलेंस शीट में भी अपीयर करेंगे, बट अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बिक जाए उसकी एंट्री कैश टू रीवेल, और अगर कोई अनरिकॉर्डेबिलिटी पे ऑफ हो जाए तो रीवेल टू कैश, वो ध्यान रखना। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका मेरा अलग से वीडियो यूट्यूब चैनल जो हमारा अकाउंट है पूरा डिटेल वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें कवर्ड है। अगेन जो फिफ्थ पॉइंट है इसका भी अलग से पूरा डिटेल वीडियो है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ WCF एंड IFF, बट अगर EPF इन दोनों से अलग है, EPF is a liability, it is to be treated like a creditor, जैसे normal creditors को deal करते हैं वैसे EPF को deal करेंगे, increase decrease को reserve में डालेंगे और फिर balance sheet में effect आएगा। balance sheet के अंदर asset side पर अगर P&L given है तो loss होता है, equity loss, old partners old ratio बढ़ेगा, इसकी entry आपको आनी चाहिए old partners to P&L, और अगर liability side पर कोई P&L है तो वो हमारा accumulated profit है, उसकी entry होती है profit loss to old partners। ये एंट्री हर साल हम चेक करने के लिए देते हैं और मोस्टली बच्चों की गलत होती है, प्लीज बेटा इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो इस एंट्री की। बात करते हैं सेवन की, अगर कोई पुरानी गुडविल या कोई एक्यूमेट लॉस गिवन है एसेट साइड पे, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, कोई प्रीमियम एक्सपेंस टाइप का, तो वो भी हम राइट ऑफ करेंगे, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एनी एक्यूमेट प्रॉफिट गिवन ऑन लायबिलिटी साइड, यानी वही जो बात करें जनरल रिजर्व की WCF की, वो सब हम कवर कर चुके हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो होगा, और कैपिटल इश्यूज के केस अलग से हमने इसकी वीडियो को बना रखी है, वो अलग से आप करके जाएंगे, जहां पर सी के कैपिटल के बेस पे एबी को एडजस्ट करना पड़ता है और जहां पर सी का कैपिटल मिसिंग हो वो फाइंड करना होता है। और लास्ट में है जनरल एंट्रीज, जितनी भी हमारी रीवेल अकाउंट के बाहर जितनी भी हमें एडजस्टमेंट नीचे गिवन होती है सभी की जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी कि जनरल एंट्री बेस पे क्वेश्चंस आए और फिर अगर वो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का आ जाए तो बहुत टफ होता है जनरल एंट्री बनाना, तो वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल पेपर में इसके ऊपर बेस पे क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए जनरल एंट्रीज का, बट जनरल एंट्री बहुत बार पूछ चुके हैं, ऐसा हो सकता है कि लेजर्स भी आ जाए तो आपको दोनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और फिर देखिए कितना अच्छा आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाता है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के लिए, बट उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल अकाउंट नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंचते रहे, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू बच्चे, वेट कीजिए आने वाली वीडियो के लिए।